देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सदर क्षेत्र के अंतर्गत अश्लील इशारों का विरोध करने पर पड़ोसियों ने पीड़िता व देवर पर किया हमला, थाने में दी तहरीर। कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी विवाहिता ने बुधवार की शाम सदर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि पड़ोस का रहने वाला है रंजीत पुत्र राकेश, छत पर बैठकर पीड़िता के साथ गलत तरीके से अश्लील इशारे करता है। 7 सितंबर को शाम 7 बजे उक्त रंजीत पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। इस पर पीड़िता व उसके देवर ने उक्त युवक को मना किया। इस पर वह गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उक्त रंजीत व उसके परिवार के रंजन पुत्र राकेश टपोरा व मनोज पुत्र राम भजन ने पीड़िता व उसके देवर पर हत्या व लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें उसके देवर के गंभीर चोट आई है। इसके बाद पीड़िता बुधवार को सदर कोतवाली पहुंची और तहरीर देकर उक्त आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? सर जी, क्या हुआ आप कोतवाली आए हैं? मेरे साथ झगड़ा मारपीट शाम को करते हुए। कौन लोग कर रहे हैं, किस बात को लेकर हो रहा है? जापत लोग हैं, मेरी भौजाई को छेड़ते हैं, गलत निगाह से देखते हैं। और रहता ने शाम को गाड़ी चला के आया तो मुझे बताया, तो मैंने अपने चौतरे पर बैठ के दो गाली दी। गाली देने पर उन लोगों ने मुझे चौतरे पर पकड़ के अपने द्वारे घिसेट के मारा। पूरे परिवार लोगों ने अपने टकोरा चला दिया, गर्दन से बचा तो मेरे बखे पे तन लग गया टकोरा। तो आप कोतवाली आए हैं अब? हाँ। उचित लोगों को कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं? हाँ। तो वहाँ चौकी में कहाँ गया? प्रार्थना पत्र देकर आए थे सर। पूरा मामला कहाँ का है? कीरतपुर। चौकी? कुसुमपुर। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।